गाइस, आज हम बनाएंगे नेमन नूडल्स। तो ये मैंने पैक ऑर्डर किया था, एक था 3x2 स्पाइसी और एक हमारे एक नॉर्मल स्पाइसी। इसके साथ दो ये पाउच मिले थे रेड चिली सॉस के, और ये दो ऊपर उसके सीजनिंग के पाउच थे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पानी को बॉयल करना है अच्छे से, और उसके अंदर नूडल्स को डाल देंगे। और कुछ भी नहीं डालना, सबसे पहले हम सिंपल नूडल्स डालेंगे, उसको अच्छे से पका लेंगे। इसको बनने में 15 से 20 मिनट तो लग जाएंगे आराम से। आप इसको ढककर भी बना सकते हो, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, और जब ये बन जाएंगे तब ये कुछ ऐसे दिखेंगे। इसका अब हमने पानी सारा ड्रेन कर देना है, और नूडल्स को सेपरेट कर लेंगे पानी से। अब हम इसके अंदर हमारी सीजनिंग और चिली सॉस मिक्स कर देंगे। हाय अंजलि, खा लेगी इतना मिर्च? स्पाइसी अच्छी तरह निचोड़, बहुत रेड है ये। तो है कलर इसका कितना प्यारा है यार। यार हो जी ना पाओ, मैं थोनू की कह रही हूं। उसके बाद भी डालेंगे, थोड़ा स्पाइसी और हो जाएगा यार। क्यों इतना स्पाइसी कर रहे हो? नहीं यार, थोड़ी यार जरूरी है स्पाइसी। ओ यार मेरे पास देखती, अरे तेरे थोड़ा सा यार, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो इतना को खा के देख ले, एक मिनट नहीं तो खा खा तू खा के देख। मैं मेरे मुंह में तो भी सी पानी आने लगा। नहीं हुआ स्पाइसी? नहीं हुआ ना, फिर देख ले यार। तो पावर खा के नहीं हुआ, खा के देख। थोड़ा तो नहीं है? नहीं है। हाँ पाओ और पाओ। वो दे प्लेट दी होनी। मैंने हैरान नहीं है यार, इन्नक नहीं खाया जा रहा तेरा। जब बस कह रही तो आया डांसर्स के ऊपर थोड़ी सी डोंगे बात ठीक है।